बिहार में पंचायत चुनाव के आरक्षण का पता कैसे लगाएं? अगर मेरा आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नाम में अंतर है तो क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? क्या हम दो जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, दो पंचायतों से चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं? उम्र में अगर डिफरेंस हो आधार और वोटर आईडी कार्ड में तो क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, कि क्या मान्य होगा? इन सारे बातों का जवाब हम देने वाले हैं जो आपने कमेंट में करके पूछा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो टीम बैठी हुई है आपको सीधा हम अपने स्टूडियो से विशेषज्ञों से के द्वारा आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा परिचय हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं मैं अभय कुमार और हमारे साथ बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार और कभी कभी चैनल में आप इनको देखते होंगे सत्यदेव सिंह, और इधर हैं युवा पत्रकार और चुनाव विशेषज्ञ प्रेम सिंह, और हमारे साथ हमारे मित्र हैं सुनील बॉबी जी। तो नमस्कार, अब आ गए हैं आपके संडे कमेंट बॉक्स में। आपने जो भी कमेंट किया है उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। तो हम सवाल वहीं से उठाते हैं जो आपने कमेंट किया है, मेरे चैनल पर आकर सवाल पूछा है, उस सवाल का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चूँकि यहाँ पर सारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, हम समझते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले सर, सबसे पहले आपको तो हम शुभकामनाएं देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, प्रत्याशी होने के लिए। अब देखिए, चुनाव के लिए डुगडुगी बजने वाली है, यह अधिसूचना कब जारी हो जाता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराने के लिए कमर कस लिया गया है, जिला को निर्देश भेज दिए गए हैं, गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार से होगा कि क्या सर, अगर कोई व्यक्ति दो जगहों से चुनाव लड़ना चाहे, दो पंचायतों से चुनाव लड़ना चाहे मुखिया प्रत्याशी के लेकर, तो चुनाव लड़ सकता है कि नहीं? जी जी, चुनाव वे दो जगह से भी लड़ सकते हैं। उसके लिए दोनों जगह से उनको जमानत की राशि जमा करना होगा। जमानत की राशि क्या होता है? जमानत की राशि सरकार ने तय की है, नामांकन शुल्क, नामांकन शुल्क जो होता है वो दोनों जगह जमा करना होगा, अलग अलग दोनों जगह से देना होगा। हम जल्दी जल्दी फिर दूसरा व्यूवर्स का सवाल उठाते हैं, लेते हैं। माई गेमिंग जो पूछ रहे हैं कि मैं वार्ड सदस्य से चुनाव लड़ना चाहता हूं लेकिन मेरे घर में शौचालय नहीं है, इस पे क्या करें, प्लीज रिप्लाई। अभी जो सरकार ने तय किया है नीति, जो चुनाव आयोग ने भी जारी किया है कि शौचालय की बाध्यता जरूरी है, उपलब्धता जरूरी है, चुनाव लड़ने वाले को घर में शौचालय निश्चित रूप से होना चाहिए। शंकर ने सवाल किया है कि बिहार पंचायत चुनाव में आरक्षण सीट का पता कैसे लगाएं? आरक्षण के लिए जो पिछले चुनाव में आरक्षण था, निर्वाचन आयोग ने मतलब 2016 वे सभी जो आरक्षण था उसी के आधार पर इस बार भी चुनाव करने का संकेत निर्वाचन आयोग दिया है, मतलब आरक्षण लागू है। अच्छा, और एक सवाल जो भी है कि जो बहुत ज़्यादा दर्शकों ने पूछा है कि चुनाव में कितना समय लगेगा, तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है, कभी भी इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है, वो आप वो समय मतलब टकटकी लगाए रखिए। और एक सैफ इंटर पूछते हैं कि सर मैं जाति से सिख हूँ और क्या मुझे भी यह सब देना पड़ेगा जो कागजात बताया गया है? तो सिख जो होते हैं जो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना, तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। वे सामान्य जाति से हैं आते हैं। हाँ, तो उनका जो जमानत की राशि है, जो नॉमिनेशन की फीस है, उसमें कोई उनको कमी नहीं होगा। जो निर्धारित है वो लगेगा। जैसे मुखिया प्रत्याशी के लिए अगर खड़ा होना चाहते हैं तो 1000 रुपया उनको लगना ही है। अच्छा, एमडी वासित का सवाल है, अन्य का क्या मतलब है, जैसे इसमें सिर्फ लेडीज ही करवा सकती है या जेंट्स भी करवा सकते हैं? क्या इनका क्या सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मिशन हो सकता है? सामान्य और आरक्षण की बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामान और आरक्षण के बाद भी कुछ और है, तो दोनों तो चीज तो सरकार मैंने निर्वाचन आयोग क्लियर कर चुके हैं, तो उसमें अन्य की बात और कुछ आता नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये नालंदा से है।
रवि रंजन जी पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि चुनाव का नॉमिनेशन आधार से होगा कि वोटर आईडी कार्ड से? सर मेरा आधार का एड्रेस नालंदा जिला का है, जबकि मेरा वोटर कार्ड का एड्रेस पटना डिस्ट्रिक्ट का है, तो मैं सर आधार अपडेट करवाने के बाद वोटर कार्ड से काम हो जाएगा? पूछ रहे हैं ये कि मतलब चुनाव लड़ना कहाँ से, पहले आपको तय करना होगा और जहाँ आपका वोटर लिस्ट में नाम है वहीं से चुनाव लड़ना, वहीं से लड़ेंगे। उसके लिए उनको एफिडेविट भी देना होगा कि मैं इसी पते पर ही रहता हूँ, यही मेरी सही पता है। अच्छा। आईडी कार्ड के साथ में मैंने एफिडेविट कोर्ट का देना जरूरी है, तब जाकर वो चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा सर, से मैंने प्रेम जी से मेरा सवाल होगा कि युवाओं को त्रिस्तरीय चुनाव में आना कितना तक सार्थक होगा सर, विकास के क्षेत्र में देखते हुए? देखिए, विकास के मामले में तो बेहतर है कि युवा वर्ग समझ रहा है कि विकास क्या है, विकासशील तो वो होगा, क्योंकि पुराने जो हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका थोड़ा सा सोच जो है पुराने स्तर का ही है, क्योंकि युवा वर्ग जो आ रहा है वो हाईटेक डिजिटल सिस्टम में चला युग में आ रहा है, तो उसके विकास की गति भी उसी युग की तरह, उसी सिस्टम की तरह लेकर चलना चाहेगा युवा वर्ग आज का, और वो अपनी जो है वो पहचान भी देखना चाह रहा है। आज के दौर में अभी बहुत बेहतर पोस्ट वार्ड का है, जिसपे आपाधापी मारामारी हो रहा है, मुखिया का पद के लिए अब लोग सोच रहे हैं कि बैक करें, बेहतर होगा कि कम पूंजी में बेहतर पोस्ट मिले वार्ड का। क्यों ऐसा सर? इसलिए कि वार्ड के जिम्मे ही तो विकास की सारी सिस्टम दे दिया गया, पूरा पैसा जो है विकास कोष का मुखिया जी को ट्रांसफर करना है वार्ड के खाते में, संस्था पर ही कोई काम करवाना होगा मुखिया जी, इसीलिए हर पंचायत में वार्ड से लड़ने के लिए वार्ड, हाँ इस बार है, अब इस बार इसलिए भी है कि युवा वर्ग जो है ना, क्योंकि वो समझ रहा है इसके अभी जो वर्तमान जो चल रहा है मुखिया का सत्र, इसमें मुखिया जी लोग थोड़ा सा ज़्यादा ठगे हैं लोग को, वार्ड को, यानी पहले वार्ड को स्टैंडिंग पोस्ट के रूप में माना जाता है, लेकिन अब उनकी मान्यता बढ़ जाएगी, पूरी तरह उन्हीं पे निर्भर करता है। ये जो बदलाव हुआ सर, ये कहां तक विकास को आगे ले जाने में सार्थक सिद्ध होगा? ये पहले वाला बढ़िया था कि अब जो बदलाव हुआ है? नहीं, अभी तो एकदम बेहतर है, और जो वार्ड जो बनेंगे ना वो अपनी जो वार्ड की समस्या को समझ लेंगे, उनकी जो ताकत शक्ति जो मिली है सरकार से उसका उपयोग करके विकास को में मुख्य गति में, मुख्य धारा में जोड़ देंगे, उनकी यही सोच होगी। यही सोच है लोगों का सर कि महिलाओं को तो आरक्षण मिलता है सर, बिल्कुल, लेकिन महिलाओं को रबड़ अंशाम समझा जाता है। अब चुनाव जीत गए किसी की स्त्री मैंने पत्नी, अब पत्नी के पास में जाना जरूरी, लोग नहीं समझते बल्कि पति से मिलते हैं, इसमें कहां तक पंचायत का विकास हो पाएगा? उस पर तो समस्या है, वो तो समस्या है, क्योंकि अभी भी पुरुष जो है वो संकीर्ण सोच के हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चलते रहेगी। लेकिन अगर हम लोग जो हमारे व्यूवर्स का सवालों का भी जवाब ले ले, देवेंद्र जी का सवाल है, मेरे ऊपर थाने में केस दर्ज है, क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूँ? सर प्रेम जी आप बताइए। हाँ, चुनाव तो लड़ने का बाध्यता तब रुकती है जब कोर्ट द्वारा वो अब ये माने सजा पूरा, माने 6 साल का 6 साल अगर जो है, अगर सजा याफ्ता हुए हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन उनको जिक्र करना होगा नॉमिनेशन फॉर्म में, मैं मेरे ऊपर केस दर्ज है, केस नंबर इतना है, धारा इतना का केस में, हाँ, वो निश्चित रूप से उनको दर्ज करना होगा, तो आगे की दिक्कत है, आप छुपा नहीं सकते, केस है। तो राजेश कुमार हैं, वो सर वो पूछते हैं कि वोटर आईडी कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, नॉमिनेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नॉमिनेशन तो करेंगे ही, वे वोटर आईडी का जो उम्र है सीमा, उसमें जो दर्ज है उसको उनको दिखाना होगा। अच्छा, और एफिडेविट देना होगा कि मेरा उम्र जो है वोटर आईडी का ही सही है, हम इसको मानते हैं। अच्छा, लेकिन अगर पढ़े लिखे हुए हैं सर, अगर वोटर आईडी कार्ड को ही सही बताते हैं और आधार कार्ड में जन प्रमाण पत्र के मैट्रिक इंटर पर दिए हुए हैं, तो वहाँ तो उनका फेल हो जाएगा।
चलिए एक एमएम राजा जो हम बोलते हैं कि पहले तुम अपना वीडियो का ऑडियो ठीक करो, एफआई उस फिर अपलोड करो। ओ सर आप बताइए आवाज के बारे में कह रहे हैं, प्रकृति ने जो आवाज दिया है लोगों को उसमें कैसे बदलाव हो सकता है। रह गई अगर स्टूडियो से या फिर हमारा जो टेक्निकल चीज है उसमें आप सुझाव दे सकते हैं, ऐसा कुछ चीज है उसमें आप सुझाव दे सकते हैं। और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे सुधार करते जाए। तो आप देख रहे होंगे हमारे लगातार व्यूअर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो लगातार सुधार इसमें होता जा रहा है। आपकी राय को हम स्वागत करते हैं, इसी प्रकार से अपना आप मंतव्य देते रहे लेकिन सकारात्मक। जैसा अभय कुमार से आप अमिताभ बच्चन की आवाज का अपेक्षा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और एक रवि यादव जी पूछते हैं, क्या आवासीय प्रमाण पत्र में फोटो नहीं होने पर इलेक्शन में लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इस बार जो लागू हुआ है कि आवासीय प्रमाण पत्र में फोटो युक्त आवासीय प्रमाण पत्र जारी होगा, तो उनका सवाल है कि अगर फोटो आवासीय प्रमाण पत्र है जिसमें फोटो नहीं, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? पहले तो फोटो का मांग नहीं होता था, लेकिन हाल फिलहाल ये नियम लाया गया है तो उनको बेहतर होगा कि फोटो युक्त भी आवासीय बना ले ताकि कहीं कोई परेशानी नहीं। सुविधा जब हो गया है तो आपको बनवा लेना चाहिए ताकि उसमें एमिजेस्टर जी का फिर आपका वही सवाल है कि मुखिया का चुनाव आपको लड़ना है और आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ शौचालय नहीं है, तो नहीं आपको शौचालय बनवा ले और आपको शौचालय बहुत जरूरी है। शौचालय नहीं है तो इसमें हर तरह का प्रॉब्लम आपको बीच में आएगा, समस्या आएगा, वो चुनाव ही नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है सर, रंजीत राय जी का सवाल है कि जिसका और जो उम्र है अगर नॉमिनेशन के दिन 21 वर्ष पूरा हो रहा है तो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे? सवाल वहाँ से नहीं उठता है ना, उसका सवाल है कि 1-1-21 तक नोट कर लेंगे 1-1-21 18 2021 तक 18 पूरा होता है तो लड़ सकते हैं। तो फिर उसी दिन आपका समान सवाल ही नहीं जान कैसे लिए कि फलना तारीख को ही नॉमिनेशन होगा उस दिन हमारा पूरा हो रहा है, नहीं सवाल पूछ रहे हैं शायद और क्लियर कर दिए 1 जनवरी 2021 तक अगर आपकी उम्र पूरा हो रही है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ज्यादातर सवाल है कि चुनाव कब होगा, मुझे लगता है कि हमें पता होगा। देखिए चुनाव कब होगा, कब अधिसूचना जारी होगी, इस पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। पत्रकारों की सहयोग की टीम है हमारे साथ, इन सब हर पल की खबर सबसे पहले अपडेट आती है, जैसे ही जानकारी होगी हम आपको दे देंगे। और एक कुछ का इनका है, अनिल कुमार जी का आग्रह है कि अखबार में भी आप प्रकाशित करें, शायद ये जान रहे हैं लोकल है हमारे, हमें जानते हैं अखबार में तो प्रकाशित हो गई क्योंकि आरक्षण किस कोटि से किसको है अखबार से ही संभव है, यूट्यूब पे पूरे बिहार का बताना संभव नहीं है, इसलिए आप इंतजार कीजिए हम अखबार में भी आपको देंगे। और फिर वही सवाल है आधार कार्ड में और इसी में, ज़्यादातर सवाल ये है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी वाला बहुत लफड़ा है और उसके लिए सर बता दीजिए। बहुत ज़्यादा सवाल है कि आधार कार्ड में उम्र गलत है, कभी नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, वोटर आईडी से नहीं है मैच खा रहा है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ है, इस समस्या का आप समाधान बताइए सर। इस पर निर्वाचन आयोग खुद फैसला लेने जा रही है सबको कि क्या स्थिति है उसके साथ क्या रहेगा, इसलिए ज़्यादा अधिक मैंने इस पर चिंता उन लोग को नहीं करना चाहिए। वो अगर तैयारी करें चुनाव को, चाहे लड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको मैंने उसका पालन करने का मिलेगा। एक सवाल और हम उनको ले लेना चाह रहे हैं, जानते हैं उनका नाम तो पता नहीं, हम नीचे चला गया लेकिन सवाल मुझे याद है उनका। सवाल उनका यह था कि क्या सर PDS दुकानदार हम हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? जी अब इस वर्ष का चुनाव तो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को लड़ना है, लेकिन वही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आपको जो मानदेय लेते हैं जो लोग मूल रूप से शिक्षा सेवक हैं, विकास मित्र हैं, न्याय मित्र हैं, न्याय सचिव हैं, दलपति हैं, इन लोग मानदेय लेते हैं सरकार से, इन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन हो रहा है कि नहीं, सवाल उदय कुमार जी का सवाल था, तो उदय कुमार जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि आप PDS दुकानदार हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर और सवाल उठता है सर कि जैसे शिक्षा सेवक के बारे में बोले, आंगनबाड़ी सेविका के बारे में बोले, यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक है चाहे ये सब और जितने भी लोग हैं इनको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिला है,
तो क्या इस पंचायत चुनाव में नियोजित शिक्षक चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए उसके बारे में तो अभी विशेष डिटेल नहीं कुछ जानते, मैंने है यहाँ पर जानकारी वो मांग ले रहे हैं, सारा सरकारी लाभ मिल रहा है नहीं लेकिन राज्य कर भी नहीं तो नहीं लड़, मांग दे ले रहे तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। यानी कि दम कन्फर्म है कि अगर आप बिहार के शिक्षक हैं मानदेय पर ही क्यों ना बहाल है, कॉन्ट्रैक्ट पर ही क्यों बहाल नहीं है, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सर हम जल्दी जल्दी दो सवाल और ले लेते हैं, सवाल बहुत सारे सवाल हैं लेकिन हम समझते हैं जो प्रमुख सवाल हम लोग ले चुके हैं। चुनाव लड़ने के लिए उनको एक छोड़ना होगा उस पद को, पद को छोड़ना होगा, एक मतलब एक व्यक्ति दो जगह से लाभ नहीं ला सकते। एक सवाल है शंभू कुमार जी का है कि सर केस हो गया है क्या करें, चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? इसके बारे में तो पहले ही कह चुके हैं कि नॉमिनेशन में इनकी जानकारी इनको देना होगा कि हमारे चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन आपको शपथ पत्र में जानकारी देना होगा। केस में आपको सजा कन्फर्म नहीं हुआ है, आपकी गलती कन्फर्म नहीं हुआ है, अगर सजा आपको हो जाता है तो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन जो भी जानकारी है आपको नॉमिनेशन में देना होगा, छुपाना नहीं है। आप एक और हैं अजीत टुंटू जी बता रहे हैं जो पुराने अपडेट आया था उसके अनुसार शायद पूछ रहे हैं कि न्यू पंचायत समिति के लिए एनओसी लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए अभी तक जो भी गाइडलाइन जो पहले हमने भी जानकारी दिए हैं जो पंचायती राज विभाग का जो गाइडलाइन आया हुआ था लेकिन उसमें बहुत सा सुधार हुआ है। एनओसी देना था जो पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं उनको अपने बीडीसी से एनओसी देना था, अगर आप नए चुनाव लड़ रहे हैं तो नहीं देना होगा, पुराने वालों को भी देना है कि नहीं देना है आगे की जो जानकारी मिलेगी उसके बाद हम बताएंगे। और है कागजात तो हम समझते हैं पूरी जानकारी आपको अब तक कमेंट बॉक्स में जो भी आपने लिखा था वो मिल गई होगी, जिनका छूट गया होगा उनका फिर अगले वीडियो में लेंगे। और आपसे एक गुजारिश है अगर आपको जानकारी कैसी लगी यह बताइएगा कमेंट करके, अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह ये जो टीम देख रहे हैं इस टीम में वकील भी हैं, हम चाहेंगे कि अगली बार जब हम आपके सवालों का जवाब दें तो लीगल एडवाइज़र के साथ बैठें और आपके सारे सवालों का जवाब दें। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे सारे मेहमानों के तरफ से आप सभी को नमस्कार, अब हम विदा लेते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।